जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। बिहार सीमा पर यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी अवैध वसूली में एडीजी द्वारा की गई छापेमारी के बाद हुई कार्रवाई में फरार पुलिस कर्मियों में शामिल थाना अध्यक्ष नरही, पन्नालाल व एक सिपाही विष्णु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलिया एसपी विक्रांत वीर ने इस बात की जानकारी दी है। मामले में एसपी का कहना है कि मौके पर दो पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद एसओ पन्नालाल फरार हुए थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक हेड कांस्टेबल विष्णु यादव पुलिस कस्टडी में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आगे भी पुलिस की टीमें बचे लोगों की तलाश कर रही हैं। फिर चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो या पुलिस कर्मी, सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई को पूर्ण कर लिया जाएगा। गिरफ्तार पुलिस कर्मियों को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि नरही थाना अध्यक्ष के कमरे को खोलकर सर्च किया गया है और उसकी एलिमेंट्री भी बनाई गई है। जो नए कानून की प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया के तहत उसका जो घर है उसको खोला गया है। पुलिस टीम के साथ एसएचओ के कमरे की तलाशी में फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी। दरअसल आपको बता दें, बीती बुधवार की देर रात एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्णा ने पहचान बदल कर यूपी बिहार की सीमा पर स्थित बलिया जिले के थाना नरही पुलिस की सबसे बड़ी अवैध वसूली का कांड उजागर किया था। मामले में सामने आया था कि थाना पुलिस के द्वारा दलालों के साथ गिरोह बनाकर 50 लाख रुपए महीना अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा था। रात के अंधेरे में सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहने वाली पुलिस दलालों के साथ मिलकर काली कमाई का जो खेल खेल रही थी, उसको एडीजी और डीआईजी ने भेष बदल कर जब उजागर किया, तो इसकी गाज एसपी, एएसपी, सीओ, थाना अध्यक्ष से लेकर सिपाही तक पर गिरी थी। सीएम योगी के एक्शन के बाद पूरे यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं बाहर भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे जब दोनों शीर्ष अफसर भेष बदल कर वहां पहुंचे, तो और इस बात का एहसास जब स्थानीय पुलिस कर्मियों और दलालों को हुआ, तो वहां भगदड़ मच गई। लेकिन दो पुलिस कर्मी और 16 दलालों को पकड़ लिया गया था। इसके बाद जब मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया गया, तो सीएम योगी के निर्देश पर बलिया एसपी देवरंजन वर्मा और एएसपी दुर्गा शंकर तिवारी का ट्रांसफर कर उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। वहीं सीओ सदर शुभ सचित को सस्पेंड करने के साथ ही उनके नरही थाना अध्यक्ष पन्नालाल व कोरंटा डी पुलिस चौकी इंचार्ज राजेश प्रभाकर के खिलाफ उनकी संपत्ति के संबंध में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए थे। यह छापेमार कार्रवाई डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया व आजमगढ़ रेंज के डीआईजी वैभव कृष्णा की अगुवाई में की गई थी। बताते हैं जब दोनों पुलिस अफसर नरही पुलिस थाने पहुंचे, तो कोरंटा डी चौकी इंचार्ज व नरही थाना अध्यक्ष वसूली की लिस्ट का मिलान करने में मस्त थे। जैसे ही छापेमारी की सूचना उन्हें मिली, तो नरही थाना प्रभारी थाने की 7-8 फीट ऊंची दीवार फांद कर भाग गए थे। मामले की जांच में पता चला कि दलाल गाड़ियों की संख्या गिनकर उसके हिसाब से पैसा थाना अध्यक्ष नरही को देते थे, जिसके बाद अवैध वसूली के मामले में नरही थाना प्रभारी पन्नालाल व कोरंटा डी चौकी प्रभारी राजेश प्रभाकर समेत 7 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वही मामले की जांच एएसपी आजमगढ़ को दे दी गई थी। इसके अलावा आरोपी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। आइए सुनते हैं मामले की जानकारी देते हुए बलिया एसपी विक्रांत वीर ने क्या कुछ कहा है। सर,
नरेश धरपड़ में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई किया है, कितने पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा अपडेट है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में मौके पे भी 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद अभी जो SO जो वहाँ से फरार हो गए थे उनको भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, और जो एक और हेड कांस्टेबल विष्णु यादव हैं वो अभी कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो ये 2 पुलिसकर्मियों को हमने काउंट फॉर ऑल कर लिया है, और आगे भी जो हमारी टीमें हैं वो सक्रिय हैं, और इनको जो बचे लोग हैं, प्राइवेट पर्सन हों या पुलिसकर्मी हैं, जो भी हैं, उन सबको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करके इस कार्रवाई को कम्प्लीट कर रहे हैं। अब तक सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कितने लोग फरार चल रहे हैं? देखिए, फरार का चूँकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जैसे जैसे नाम और भी खुल सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारियां अभी 16 तो प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार हुए थे, और 2 सिपाही उस समय मौके पर हुए थे, और एक SO जो है वो भी गिरफ्तार हो गए हैं, और जो हेड कांस्टेबल विष्णु यादव हैं वो भी कस्टडी में है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अब तक पूछताछ में कई कुछ साठगांठ नजर आ रही है। देखिए, ये विवेचना का विषय है, थानों पर देखा गया कि कई SO मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर, ये विवेचना का विषय है, इसके बारे में हम आपको क्या बताएं। SO के कमरे सील हुए हैं वहां पे, SO क्या उसको पूरा, हाँ, उसको सर्च किया गया और उसकी इन्वेंटरी बना ली गई है, पूरा विधिक प्रोसेस है उसको कर लिया गया है। उसको खोल दिया गया है? हाँ, उसको खोल दिया गया है, उसका विधिक प्रोसेस है हो गया है, जो सर्च का जो विषय होता है, सर्च की सारी प्रोसीजर जो होती है नए कानून के हिसाब से, पूरे प्रोसीजर के हिसाब से उसका सर्च सीजर किया गया, सीजर मेमो बना लिया गया है, और जो SO हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, आज उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची क्या? और हाँ हाँ, जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो नई जो कानून प्रक्रिया है उसके तहत, पूरी प्रक्रिया के तहत उनके पूरे जो सील घर था उसकी तलाशी ली गई है, उसका पूरा जो इन्वेंटरी बनाई गई है, और वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है। वो अभी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। कब खोला गया है? वो सब हम आपको विवेचना में आगे हम सब विवेचना का विषय, वो सब लिखी पढ़ी में आपको अवगत करा देंगे। आज ही होगा। हाँ, वो ठीक है। थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।